गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से योगेश। तो हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गया हूँ मैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग मैं अभी सैलाकुई से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं पहाड़ों पर घूमने। हमारे मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो मेरे क्लासमेट हैं, तो हम जाने वाले हैं भद्राज टेम्पल। मतलब काफ़ी लोग हैं, 10-15 लोग, तो हम जाएंगे वहाँ पर, काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो अभी मैं तो सुबह सुबह उठ चुका हूँ 6 बजे, क्योंकि हमने जाना है यहाँ से 8 बजे। तो अभी खाना वाना भी बनाना पड़ेगा। बाकी दीदी और ड्यूटी चले गए हैं, तो अब थोड़ी देर में निकलेंगे हम। अभी मैंने खाना भी बना के रेडी कर लिया है, तो मैं छत पे आ रखा हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पहाड़ों में तो कल बर्फ़ गिरी थी हल्की हल्की, क्योंकि कल अपडेट आया था पहाड़ से और हल्की फुल्की बर्फ़ गिरी थी। इसी के साथ अब इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए, काफ़ी इन्जॉय करिए रहूँगा पहाड़ों के सीन, और आप लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे। हालांकि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस समय ना, अभी गर्मी होनी चाहिए लेकिन ठंड हो रही है। तो दिखाता हूँ मैं पहाड़ में जाके, और अभी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, सूर्य देवता भी आ चुके हैं। बाकी ये देखिए दोस्तों, कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, तो यहाँ पर छत पर देखिए पानी इकट्ठा हो रखा है। ये देखिए वहाँ पर भी हो रखा होगा। मतलब कल इतनी तेज़ बारिश हुई ना, कल परसों 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही थी यहाँ पर। मैं तो ओले गिर रहे थे। और देखिए, जो मैं हमेशा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर काम चल रहा था ना, वो इतना काम हो चुका है। वहाँ पर सरिया मतलब लग चुकी है, काफ़ी काम हो चुका है। सामने पहाड़ देख सकते हैं आप, कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़। पहाड़ों पर थोड़े थोड़े बादल लगे हुए हैं, और हमने जाना है वहाँ पर भद्राज टेम्पल पर। वो देखने में काफ़ी दूर लग रहा है, लेकिन दूर भी है, 18 किलोमीटर चढ़ाई है उसकी, तो हमें वो चढ़नी पड़ेगी। पहले यहाँ से कोटी जाना पड़ेगा, फिर कोटी से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। बाकी ये देखिए सूर्य देवता भी आ चुके हैं। जय हो सूर्य देवता। तो सूर्य देवता आ चुके हैं, अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी मेरे फ्रेंड्स लोग मतलब एक जगह इकट्ठा होंगे हमारे कॉलेज के बाहर, फिर उसके बाद वहाँ पर वो सारे इकट्ठा होकर फिर आएँगे यहाँ। और ये देखिए, ये सामने वाले पहाड़ देखिए, टीले कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए ना, वहाँ पर भी हल्की हल्की बादल लगे हुए हैं, और नीचे जो नदी का पानी है ना, वो हल्का मतलब भाप बन के उड़ रहा होगा, तो इतना सुंदर लग रहा है ना। वहाँ पर काफ़ी घने घने पेड़ पौधे भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ये पेड़ पहले सूख चुका था, अब यहाँ पर बारिश हुई 2-3 दिन, तो देखिए कितनी हरियाली आ चुकी है, आ चुके हैं इस पेड़ पे, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सामने के पहाड़ पे तो काफ़ी हरे भरे हैं, और मैं ऊपर जाते समय आपको रास्ते में दिखाऊंगा, चीड़ के पेड़ भी हैं वहाँ पर। तो अभी तो मेरे फ्रेंड्स लोग आ ही रहे होंगे, बाकी देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन पहाड़ों का, काफ़ी इन्जॉय करेंगे। पिछली बार तो मैं अकेला गया था, इस बार मेरी पूरी स्क्वाड जा रही है वहाँ पर, देखते हैं किसका क्या रिस्पांस रहता है। तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे, आप लोग भी इन्जॉय करिए। पहाड़ों में जाने का कुछ अलग ही मज़ा है कि आप अगर अपने दोस्तों के साथ जाओ ना, तो और मज़ा आता है। क्योंकि पहाड़ में जब जाते हैं ना 1-2-3-4 लोग, तो वहाँ पर जितने भी किलोमीटर दूर चलना हो ना पैदल, तो उसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि बातें करते करते पता ही नहीं चलता रास्ते का, इसलिए हम पहुंच जाते हैं जल्दी से। तो देखते हैं आज कितने टाइम पे निकलते हैं और कितने टाइम में पहुंचते हैं, आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से। तो पीछे का सिनेमेटिक शॉट्स देख सकते हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है अभी यहाँ पर, जब यहाँ पर बारिश गिर के मतलब जैसे धूप लगती है ना, इतना सुंदर लगता है ना नेचर, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो पेपर तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी ठीक ठाक ही गए मेरे एग्ज़ाम। बाकी जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, फिर हमने प्लान बनाया घूमने के लिए, तो आज हम जा रहे हैं, कल हमारा जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो किचन में आके मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पर प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद ले जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो प्रसाद बना लेता हूँ। बाकी मेरे दोस्त आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं, बोल रहे थे अभी फ़ोन करके, तो फटाफट से प्रसाद बना लेता हूँ, फिर चलते हैं थोड़ी देर में, मेरे दोस्त लोग आ जाएंगे। हेलमेट
अब नहीं चाहिए भाई। आकाश भाई हाई कर दो। हाँ चलो भाई चलो। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और इतना सुहाना सफ़र, यहाँ पर चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, बीच से हमारी गाड़ी निकलती हुई और काफ़ी सुनसान जगह है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग देखिए आगे निकल चुके हैं, ये है आयुष और मोहित। अभी आकाश भाई और ऋषभ भी निकल चुके हैं, तो हम भी चलते हैं पीछे पीछे। बाकी काफ़ी मज़ा आएगा, हम काफ़ी इन्जॉय करेंगे वहाँ पर। तो चलते हैं, ज़रा आगे भी दिखाते हैं मैं आप लोगों को। बाकी सुहानी और दीदी आगे निकल चुकी है। गाइस ये लोग इसी में मजे ले रहे हैं। FPS कम है, मजा नहीं आ रहा वीडियो में। अभी घर में घुसड़ देता तो भैया। देख सकते हो पहाड़ है, वही जाएंगे पहाड़ पे, पूरी पूरी चढ़ाएंगे ऐसा करके पहाड़ का होगा। नीचे नीचे शूट करेंगे भाई, क्या लग रहा देख दोस्तों। पहुंच चुके हैं हम कोटी पे, अब यहां से जा रहे हैं भद्राज की ओर। और यहां से ये देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, और अभी तो हरी भरी हरियाली दिख रही होगी क्योंकि दो तीन दिन से यहां पर लगातार बारिश होती जा रही थी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहां का नज़ारा। तो अभी जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स लोग आगे आगे और मैं पीछे से वीडियो बनाता हुआ चल रहा हूँ। तो चलते हैं फिर भद्राज की ओर। जय भद्राज देवता। ये देखिए बाकी फ्रेंड्स लोग आगे आगे जा रहे हैं, तो अब मैं भी चलता हूँ और वहाँ पर है भद्राज देवता। जय हो भद्राज देवता। तो चलते हैं फिर, ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो भद्राज जाने के लिए जो ये रास्ता है ये थोड़ा सा कच्चा है अभी अभी। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, पूरी 18 किलोमीटर ट्रैकिंग। और ये ट्रैकिंग करते हुए आगे मेरे फ्रेंड्स लोग, और ये है भद्राज। और काफ़ी प्यारा मौसम, और इस मौसम में एंजॉय करते हुए मेरे प्यारे प्यारे दोस्त लोग। तो चलते हैं फिर आगे की ओर।
ऋषभ कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अभी थक लग गई तेरे को? और ये देखिए यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल, कुदरती फूल जो कि मोहित लगा के गए हैं पिछली बार। मोहित कितने बार लगाए तुमने यहाँ फूल? फूल फर्स्ट टाइम है यार। अरे फर्स्ट टाइम है यार, इन्होंने फिर नाराज कर दिया। तो चलते हैं आगे की ओर। आकाश भाई सबसे पहले ट्रैकिंग करवाते हुए, ये वाला सुहानी तो थक गई, विधि भी थक गई है। तो ये पहुंच चुके हैं यहाँ पर, अभी तो शुरुआत ही है। अभी थक लग गई आकाश भाई को। 10% हो गया। 10% हो गया, 10 का 2 भी नहीं हुआ अभी तो। अभी जब ऊपर जाके देख तो अभी यहाँ पर 2 कदम भी नहीं चले और सारे लोग थक चुके हैं। ये देखिए आकाश भाई और मैं कंटिन्यू है। तो चलते रहिए, थकोगे नहीं अगर चलते रहोगे तो। अगर ऐसे रुकते रहोगे तो काफ़ी थकान लगती है। और यहाँ का प्यारा ब्यूटीफुल व्यू देखते हुए ये मेरे ट्रैकर। तो दोस्तों अभी के सुबह के 9:12 हो रहे हैं सुबह का टाइम। और हम यहाँ पर जो यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं उसके जंगल में पहुँचने वाले हैं। यह है चीड़ के पेड़। तो मैं अकेला चल रहा हूँ यहाँ पर और मेरे फ्रेंड्स लोग पीछे आ रहे हैं। सारे लोग थक चुके हैं, मतलब कभी इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग की नहीं होगी ना इसलिए। और ये प्यारे प्यारे चीड़ के पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। तो मैं अभी वहाँ पर जाके वीडियो बनाता हूँ। बाकी ये देखिए ऐसा कुछ गेटअप है मेरा। और ये सामने चीड़ के पेड़ देखिए आप पीछे, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। और इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो ये चीड़ के पेड़ की राल होती है ना वो आग जलाने के काम आती है और काफ़ी अच्छी जलती है आग। पहाड़ों में हम काफ़ी जलाते थे इन्हें, आग पे काफ़ी काम आते हैं। और इसके जो छिंतले बोलते हैं गढ़वाली में, उसे आग जलाने के काम आते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं। मतलब इन पेड़ों के यहाँ पर लकड़ियों के अलावा इसे जला सकते हैं आप लोग। और पीछे जंगल देखिए कितना घना जंगल दिख रहा है, काफ़ी सुंदर। तो यहाँ पर देखिए आकाश भाई आते हुए पर्यटक और पीछे से ऋषभ। ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है और ये घने जंगल में आपका स्वागत। यहाँ पर एक बार राहुल भी आया था मेरा दोस्त, यहाँ तक आया, यहाँ से गुम होके चला गया था फिर वापस घर। तब बोल रहा था मैं भद्राज गया नहीं, वापस आ गया, आधे रास्ते से खो गया था मैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ से नज़ारा, 2-3 दिन पहले बारिश होने के बाद जो यहाँ का व्यू दिखता है ना काफ़ी सुंदर, चारों तरफ हरियाली। और फिर हम यहाँ से चलते हुए दोस्तों हम यहां पर 20% चल चुके हैं। और यहां पर मेरे भाई लोग थक चुके हैं। ये देखिए आकाश भाई थक लग रही है? अरे थोड़ी, अच्छा थकता नहीं हूं मैं, ऐसा बोलो ना। तो यहां से नीचे का नज़ारा दिख रहा होगा आप लोगों को, काफ़ी सुंदर लग रहा है। कौन है? और ये देखिए पीछे वहां पे छूट गए हैं, ये है आयुष सुहानी और ऋषभ आर्य। यहाँ पर एक मैदान जैसा है, पहले यहाँ पर घर थे शायद। और यहाँ पे सेब के पेड़ भी दिख रहे हैं, जैसे सेब के पेड़ लग रहे हैं ना आकाश भाई, वो सामने लग रखे हैं जो सेम ऐसे लग रहे हैं। पहले यहाँ पे गांव होगा यार, छोटा सा ना घर होगा यहाँ पे, जो जैसे पत्थर गिर रखे ना वहाँ पे पक्का घर होंगे पहले, जैसे खेती बाड़ी होती होगी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। आदि मानव तो नहीं यार, आदि मानव खेती कहाँ करते थे? अरे वो तो तब बाद में करते थे। तो ये यहाँ पर ये है पहाड़ी। और अभी हम 20% चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मतलब आधा रास्ता होने वाला है, थोड़ा ऊपर जाके यू भी वहाँ पे बैठ गए। देखते हैं यहाँ पहुँचते हैं 2-2:30 बजे। फिर कल ही आएंगे नीचे। आयुष कैसा लग रहा है तेरे को ऊपर जाते समय? कभी नहीं आएगा? मैं भी पहले ऐसे सोच रहा था जिस दिन मैं आया था, स्विमिंग पूल कल की छुट्टी भाई कॉलेज। वो तो सभी कर रहे हैं भाई कल की छुट्टी। नीचे पे देखा था ना थोड़ा सा गदरा है भाई, कितना मस्त सीन दिख रहा है आकाश आयुष पीछे बैकग्राउंड में। पानी दो यार। ऋषभ किसको फोन कर रहा है? ऋषभ को। मंजिल केदारनाथ भाई बढ़ जाएंगे कल में, हो जाएंगे बन के। आयुष आ जा भाई आजा भाई आजा, हेलीकॉप्टर है तैयार, आजा। हैं दोस्तों मैं आयुष को आज प्रपोज कर रहा हूँ। आयुष प्रपोज वाला फूल खाएगा।
थैंक यू, यू आर जस्ट अ फ्रेंड। यार उसमें कुछ और भी लगा हुआ, पीला पीला क्या है? हेलो की कैसे लग रहा है सुहानी? मैं तो बुरा ही बुरांस लग रहा हूं ना। हाँ तू तो बुरांस ही है भाई। तू भी मैं नहीं हूँ भाई बुरांस। खा ले यार, ये बगाने बैठा। नहीं है उसके कीड़े। नहीं है भाई कीड़े। ऊपर रास्ता में बड़ा सा पेड़, उससे तोड़ेंगे, उससे खाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा। आकाश भाई मजा आ रहा है यहाँ पे सोने के लिए, मस्त है ना। आकाश भाई बन लो बैग। फाइनली हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं यहाँ से। अब बचा है 5 किलोमीटर दूर भद्राज टेंपल, और ये काफ़ी लोग थक चुके हैं, काफ़ी थके हुए महसूस लग रहे होंगे। अभी मैंने इनको बुरांस खिलाया तो काफ़ी एनर्जी आ चुकी है, और ये यहाँ पर अभी मज़ा ले रहे हैं कोहरे का। नीचे कोहरे लगा हुआ है पूरा, अभी कुछ दिख नहीं रहा बैकग्राउंड व्यू, तो इसलिए यहाँ पर मज़े ले रहे हैं, यहाँ पर बुरांस का आनंद कर रहे हैं, बुरांस का फूल खा रहे हैं। बाकी ऋषभ को देख सकते हैं आप, यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं नीचे पे बैठ के बुरांस। बाकी इसने सारे खा लिए हैं यहाँ पर, जितने भी थे इस पेड़ पे। तो चलते हैं फिर आगे की ओर, 5 किलोमीटर बाकी है, वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको। आकाश वैसे तो ज़्यादा ही लिए, त्यागी ने दिए नहीं। हाँ ले पकड़ ले। गाइस मैं हूँ आयुष बुटोला, एंड मेरे साथ मेरे दोस्त है, चिल्लाओ भाई। और आप यहाँ मौसम देख सकते हो, अरे भाई गिर गया। और यहाँ मौसम देख सकते हो, पीछे एकदम कोहरा ही कोहरा। यहाँ फट चुके हैं मैं ऊपर आते आते, बट मजा आ गया। मेरे साथ मोहित मेरे संबंधी मित्र, और पीछे देख सकते हो दो सुहाने भी आ रहे हैं। मौसम देख सकते हो कितना सुहाना हो रहा है, कहीं हम यहाँ सुहानी भी आ रही। अगर हम अगर 5 दिन बाद, अगर गाइस अगर 5 दिनों तक कोई वीडियो ना आए तो समझ जाना हम यहाँ से कभी वापस नहीं आए। बनाना तो गाइस देख सकते हो हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ रास्ता बड़ा ही खराब है, पर कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ। ऐसा मत देखना, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं एटीट्यूड में हूँ कि आपको नहीं देख रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ फोन को। अरे पीछे देख सकते हो, अरे एक सर 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 ऑटोग्राफ लाइन में लग जाओ, ऑटोग्राफ चाहिए तो लाइन में लग जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लाइन में लग जाओ लाइन में। तो देख सकते हो गाइस कितने बड़े वो है मेरे ये लोग। गाइस ऐसा ऐसे मत आया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता एकदम से आप पर्सनली आओगे मेरे पास। अभी मैं इनको ऑटोग्राफ देख के आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है गाइस ऑटोग्राफ देख के आता हूँ मैं। गाइस भद्राज का रास्ता, भद्राज का रास्ता इतना बहुत ज़्यादा ऐसा है, और यहाँ ओह माय गॉड नीचे गिरते गिरते बच गया। तो यहाँ नीचे देख सकते हो बहुत हाई है, और ये देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो कितना खतरनाक रास्ता है, देख सकते हो गाइस, देख सकते हो, देख सकते हो मेरे दोस्त उनकी फट रही है आने में भी। ओह माय गॉड नीचे देख सकते हो आप, रास्ता बहुत ज्यादा ढलान वाला है। अब हट जाओ भाई, प्रोफेशनल है हम। तो देख सकते हो यहाँ बहुत ज्यादा धुंध है, और लगता है बारिश आएगी। मैं तो खुश हूँ बारिश आ रहा है, भीगते भीगते जाएंगे, पेट दर्द होना शुरू हो गया। देख सकते हो कितनी गहरी खाई है, यहाँ कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिखेगा मुझे पता है। ऊपर देख सकते हो वो वीडियो बना रहा है, ये देख सकते हो ये थक चुकी है। एक ये नूब, उसके पीछे किलचोर, और उसके पीछे और वो आकाश भाई। देखो आकाश भाई हाई करो, हाई। सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी रह चुका है, और दोस्त काफ़ी खुश लग रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सारे दोस्त, अब खुश लग रहे हैं। पहले क्योंकि धूप भी थी और वहाँ पर चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा थी, और मतलब धूप ज़्यादा चमक रही थी, इसके बाद थक चुके थे बंदे। तो अभी यहाँ पर कोहरा लगाया है और ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही है, इसके उससे मतलब पता नहीं चल रहा किसी को रास्ते का, और सब इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो चलते हैं आगे की और मिलते हैं भद्राज टेम्पल के वहाँ पर। गाइस मज़ा आ रहा है यहाँ पर, देखिए ऋषभ और मैं इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और ये जंगल काफ़ी घना जंगल है, यहाँ चारों ओर बांज के पेड़ हैं, बांज के और बुरांस के। आज
ये घना जंगल देखिए, पूरे यहाँ सोतर गिर रखे हैं, पूरे बांज के पत्ते जिसे सोतर बोलते हैं गढ़वाली में। और ये देखिए ब्लॉगर साहब वैसे ही ब्लॉग वीडियो बना रहा है ऋषभ अपने दोस्तों को जलाने के लिए। और बाकी देखिए चारों तरफ कोहरा, अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है, और इस अंधेरे में हम इंजॉय करेंगे वहाँ जाके। तो हमारा जो हमारा मतलब टारगेट था ना भद्रास टेम्पल जाने का, वो पूरा हो जाएगा। और अब हम ये देखिए कितनी घना है यहाँ पर कोहरा, और ठंडी ठंडी हवाएं, और पेड़ देखिए कितने ख़तरनाक लग रहे हैं, बांज के पेड़ हैं सारे। जो भी जिसको भी बांज के पेड़ पता नहीं है वो आप देख सकते हैं, ये हैं बांज के पेड़। तो हम जा रहे हैं अभी, ये देखिए